लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर आशीष सिंह ने सख्ती दिखाते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वाले 50 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है, जबकि अपर आयुक्त के फर्जी दस्तखत कर ई नगर पालिका निगम पोर्टल का पासवर्ड हासिल करने का प्रयास करने वाले 5 कर्मचारियों को भी हाजिरी से मुक्त कर दिया गया है। इंदौर नगर पालिका निगम अब प्रशासक के अधीन है। यह वजह है कि अब बिना किसी दबाव प्रभाव के नगर निगम प्रशासनिक कसावट में जुट गया है। नगर निगम के आयुक्त आशीष सिंह ने सख्ती दिखाते हुए 50 ऐसे कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया है जो अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे थे। इनमें से अधिकांश कर्मचारी सफाई विभाग से जुड़े थे। वहीं अपर आयुक्त के फर्जी दस्तखत कर आर्थिक लाभ उठाने का प्रयास करने वाले 5 कर्मचारियों को भी हाजिरी से मुक्त कर दिया गया है। आशीष सिंह द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कई और कर्मचारी भी निगमायुक्त के निशाने पर आ सकते हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। यहाँ का लगभग 56 कर्मचारियों के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। जो लोग नदारद रहते थे, लापरवाही करते थे, उनको सबको सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा 5 अन्य लोग थे जिनके द्वारा एडिशनल कमिश्नर के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर हासिल करने की कोशिश की गई, उन 5 को हमने हाजिरी मुक्त किया है और इसके साथ साथ 5 के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए लिखा है। उपायुक्त के द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। तो काम में किसी भी तरीके की लापरवाही या किसी प्रकार की अनियमितता अगर कोई करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।